अच्छा कुछ इशू टेक्निकल था। अच्छा मुझे नहीं पता चल रहा था, मेरी तरफ से माइक बेसिकली ऑन था और मैं लेक्चर आपको स्टार्ट कर दिया था, तो कोई नहीं, थोड़ा सा अभी हमने स्टार्ट किया, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। आज का हमारा है, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन फोकस होगा वो क्या होगा, लाइट रेज। ये हम बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट किस तरह प्रोपगेट करती है, उसके क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं हम उसको पढ़ेंगे, क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि लाइट रेज किस तरह रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे कि, और दूसरी बात ये कि किस तरह जो है हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। सही है, हम इन सब लेंसेस के बारे में और मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ जो हम देख रहे होते हैं इसमें हर चीज में क्या होता है, लाइट इन्वॉल्व होती है। अगर आप देखें लाइट नहीं होती तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। अब कभी हमने ये सोचा कि अच्छा ऐसा क्यों है कि लाइट हमें क्यों नजर नहीं आ रही है? तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर लाइट, जब उसकी लाइट रेज उसको हिट करती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा, ये अब आप देखते हैं, आप किसी रूम में गए और उसमें पूरी डार्कनेस है, सही है, आपने क्या किया, रूम में जाके लाइट ऑन की, देखिए जैसे ही आपने लाइट ऑन की आपको हर चीज नजर आने लग गई। कैसे नजर आने लग गई, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उन सब पे जब लाइट रेज ने हिट किया और वो क्या हुए, रिफ्लेक्ट बैक हुई, जिनके इमेज फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स के आपकी आईज में क्या हुए, बिल्ड हो गए। इस तरह हम लोग जो हैं वो बेसिकली देख पाते हैं। हम इनको आगे बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे कि किस तरह रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके, रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्योंकि हमारे जो डेली रूटीन है उसके अंदर हर हर चीज के अंदर जो भी हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। इससे पहले हमने ये फिनोमिना पढ़ा था वाटर वेव्स के अंदर, सही है, रिफ्लेक्शन हमने देखी थी जब हमने रिपल डंक किया था कि उसके अंदर क्या वाटर वेव्स, जो प्लेन वेव्स जनरेट हो रही थी वो क्या कर रही थी, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना भी हमने उसमें देखा था, रिफ्रैक्शन का भी देखा था और डायफ्रेक्शन का भी देखा था। सही, तो अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसमें क्या है, सब कुछ हम किस पे कंसिडर कर रहे हैं, लाइट पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, सही है, कोई भी जब लाइट की रे होती है, सही है, कोई भी रे ऑफ लाइट होती है वो किसी भी सरफेस को हिट करती है, सही है, और वो रिफ्लेक्ट बैक करती है यानी मूव बैक करती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सही है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, When a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounce back, it is called a reflection of light. सही है, कोई भी हमारे पास स्मूथ पॉलिश सरफेस है, सही है, अगर पॉलिश सरफेस होगी तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बेसिकली रिफ्लेक्ट तो लाइट जो है वो इरेगुलर सरफेसेस से भी करती है, लेकिन रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा, अगर हमें क्लियर देखनी होती तो हम क्या करते हैं, कोई पॉलिश सरफेस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में हमने क्या एक मिरर की एग्जाम्पल दी हुई है। सही है, क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या करती है, अप्रोच करती है उस स्मूथ सरफेस को, और क्या करती है, वो लाइट जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करती है, बाउंस बैक करती है। ठीक है, जो हमारे पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है ये फिनोमिना। सही, द इंसिडेंट रे विच लैंड्स अपॉन द सरफेस इज सी टू बी रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस, द रे दैट बाउंस बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, इफ अ परपेंडिकुलर वर टू बी ड्रॉन ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट वुड बी कॉल्ड अ नॉर्मल, द फिगर बिलो शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम ऑन अ प्लेन मिरर। अब देखें, अब आप इस पिक्चर पे सबसे पहले गौर करें, इसके अंदर एक तो हमारे पास ब्लू एक प्लेन बना हुआ है जिसको हमने मिरर के नाम से मेंशन किया हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है। सही है, एक पर्पल लाइन आ रही है, यानी ये एक क्या आ रही है, लाइट रे आ रही है बेसिकली। सही है, आप समझिए कि लाइट रेज ने यहाँ से इंसिडेंट किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ पे लैंड किया इस सरफेस पे। सही है, ये इस तरह क्या हुआ कि लाइट हमने यहाँ से, कोई भी लाइट है, फॉर एग्जाम्पल हम सनलाइट की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लाइट आई, यहाँ पे लाइट रेस क्या हुआ, लैंड किया और उसके बाद किया वो
बाउंस बैक कर गई, रिफ्लेक्ट करके, जैसे ही वो उस मिरर से टकराएंगी वो क्या कर गई, बाउंस बैक कर गई, यानी रिफ्लेक्ट बैक कर गई, सही। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना होता है ये कहलाता है हमारे पास रिफ्लेक्शन का। वेल वेरी वेलकम तफसीर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। सही, तो ये हमारे पास जो फिनोमेना होता है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। अब इसके अंदर इंसिडेंट रे कौन सी होती है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, तो वो रे जो क्या होती है बेसिकली क्या करती है, लैंड करती है हमारे पास सरफेस पे, वो कहलाती है, वो बीम ऑफ लाइट कहलाती है इंसिडेंट रे। और वही रे जब बाउंस बैक कर जाती है, सही, तो वो हमारे पास कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और अगर आप ये देखें सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे क्या करेगी आकर हिट करेगी मिरर को, उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। उसी पॉइंट पे जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, एक नॉर्मल कहलाता है। यानी हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सही है। और वो जो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या कहलाता है, हम उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल, सही है। अब यहाँ पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते तो हमारे पास दो एंगल्स बन जाते हैं। आप ये देखें यहाँ पर ये आई और ये आर, ये किसको शो कर रहे हैं, एंगल को शो कर रहे हैं। ये इंसिडेंट रे का एंगल है और ये जो आर है ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, सही है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये कहलाता है, जो आई होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है ना, इसकी आप अगर एग्जांपल लें तो क्या होगा, अगर आपने कभी कोई घड़ी पहनी होती है, सही है, या आपने देखा होगा अक्सर हम लोग ये, मतलब जब आप लोग भी करते होंगे यकीनन, मतलब अगर हमारे हाथ में कोई मिरर होता है, या आपने कोई, किसी ने कोई शर्ट ऐसी पहनी हो जिसपे मिरर वर्क हुआ हुआ होता है, या कहीं कोई ऐसी पॉलिश सी कोई चीज लगी होती है, कोई बहुत ऐसे कोई ऐसा बटन लगा होता है जो बहुत अच्छे से पॉलिश होता है, तो क्या होता है अगर हम सनलाइट में जाके खड़े होते हैं तो क्या होता है, सनलाइट जब डायरेक्ट उसके ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है और उसका एक इमेज सा जाके कहीं दीवार पे या कहीं भी जो सरफेस होती है वहां पे बन जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे मिरर्स लेके, या अगर उन्होंने रिस्ट वॉच पहनी होती है ना, तो वो उसको अपने हैंड को मुख्तलिफ मूव कर रहे होते हैं सनलाइट के अंदर, क्योंकि उसका जो एक इमेज बन रहा होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, आके रिफ्लेक्ट करिए। तो वो जो फिनोमेना होता है ना बेसिकली, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, वो कहलाती है रिफ्लेक्शन। कि आप देखें ये, मतलब एक इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लें, जो चीज अभी आप पढ़ रहे हैं, कि जैसे ही क्या किया, लाइट की रेज ने हिट किया आके सरफेस को मिरर की, वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक की और उन्होंने क्या, उसी तरह लाइट का एक उतने ही साइज का वो क्या, एक रिफ्लेक्शन से एक इमेज बना देती है, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। जो रे जो है वो लैंड करती है सरफेस पे वो कहलाती है इंसिडेंट रे, वही रे जब रिफ्लेक्ट बैक करती है तो वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। सेम पॉइंट के ऊपर जब हम वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट होता है वहां पर हम एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जिसको कहलाते हैं, जो कहलाता है नॉर्मल, सही। और इंसिडेंट रे किससे रिप्रेजेंट, इनसे, और फिर इसके बाद क्या, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जब हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास दो एंगल्स बन जाते हैं। एक इंसिडेंट रे का एंगल होता है जो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारे आर जिससे हमने रिप्रेजेंट किया है रिफ्लेक्टेड रे का एंगल को, जो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही। अच्छा जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर एक आपके वो एक्टिविटी नंबर बताना चाह रही हूँ, बेसिकली कौन सा है, अच्छा ये अगर आप ये अपनी फिगर देखेंगे बुक में, फिगर 12.1 है, सही है।
तो इसके अंदर इन्होंने बेसिकली क्या किया, देखिए इसी तरह की सेम डायग्राम बनी हुई है, सही है, उसके अंदर कि उन्होंने एक नीचे प्लेन मिरर ले लिया है, लेकिन क्या किया उन्होंने बेसिकली इसको, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मतलब उन्होंने इसको ए का नाम दे दिया है, सही है, इसको उन्होंने बी का नाम दे दिया है, नॉर्मल को जो है वो एन से रिप्रेजेंट किया है, सही, और इस पॉइंट को, ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये कहलाता है, इसको इन्होंने ओ से रिप्रेजेंट किया है, सही है। तो इन्होंने बेसिकली ये कुछ भी नहीं ऐसे लिखा हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.1, अगर आप यहाँ देखें तो आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर अलोंग द पाथ ए ओ, अब आप देखें ए से ओ तक ही क्या है, ये एक इंसिडेंट रे का उन्होंने पाथ दे दिया, हमने उसको कलर से शो किया था, यहाँ पे उन्होंने ए और ओ दे दी, एक पाथ दे दिया ए से ओ तक, क्या है इंसिडेंट रे है। When a ray of light from air along the path AO falls on the plane mirror, ये नीचे plane mirror है, सही है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको अपने सामने खोल लें, आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी, सही है। मिरर को उन्होंने सिंपल एम से डोनेट किया है, वो नाम उसको दे दिए, सही, ये एम है। अब क्या हुआ है कि इट इज रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ ओ बी, जैसे ही क्या किया पॉइंट क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रे ने हिट किया, जिसको नाम के हमने क्या दिया हुआ था ए ओ, एक पाथ, और उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, और वो कौन सी रे हुई, ओ बी का उन्होंने नाम दिया हुआ, सही है, रिफ्लेक्टेड अलोंग द पाथ, यानी रिफ्लेक्शन का जो उन्होंने पाथ दिया उसका नाम क्या दे दिया है, ओ बी, सही है, वो हमारे पास क्या कहलाए है, रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे ए ओ एंड नॉर्मल एन, अब हमारे पास उन्होंने क्या कहा किस किस के बीच में एंगल बना है, ए ओ और नॉर्मल, हमने क्या ड्रॉ किया था उसको नाम दे दिया था एन, उसके बीच में जो एंगल बना है वो है एंगल ए ओ एन का उन्होंने नाम दे दिया है, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ए ओ एंड नॉर्मल एन, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको आई से रिप्रेजेंट किया सिंपल, और उन्होंने नाम दे दिया इसको, और कुछ ऐसे जिसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, आप ऐसे समझ लें ऐसे समझ लें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ओ बी दैट इज एंगल एन ओ बी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर, सही, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इन्होंने सिर्फ इसको क्या किया है, लेबल कर दिया है फिगर को, और उन्होंने उसके जरिए से समझाया, मैंने आपको ये सिंपल करके इसलिए पहले समझाया, वरना आप ये जो है ना लेबलिंग से ही परेशान हो जाते, देखने में कॉम्प्लेक्स ही डायग्राम जो है ना वो फिर बहुत जो है मतलब घबरा जाते हैं कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, हालांकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सही। अच्छा जी, मैं इसको इरेज कर दूं जरा, ये नहीं भी करना चले कोई बात नहीं, सही, खैर। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ होते हैं लॉज रिफ्लेक्शन के, वो क्या होते हैं अब हम वो देखेंगे, अगर आपको यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ लें, यहाँ तक बात क्लियर होगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, स्मूथ मेटल सरफेस एंड क्लियर वाटर, ये मेरे दिमाग में उस वक्त ये नहीं आ रहा था कि वो जिस तरह बटन लगे होते हैं तो वो बेसिकली मेटल के बने हुए होते हैं किसी, तो वो बहुत स्मूथ सरफेसेस होती हैं, स्मूथ होते हैं क्योंकि पॉलिश्ड भी होते हैं, सही है। पानी में भी आप देखें रिफ्लेक्शन होती है, जब पानी के ऊपर सनलाइट पड़ती है तब भी रिफ्लेक्शन होती है, सही। लेट्स द लॉज ऑफ डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पे जब भी लाइट रेज पड़ती हैं तो क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन होती है, और क्या होता है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उस रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पर हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। लेट कंसिडर अ प्लेन मिरर शोज इन द फिगर अबव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट, अच्छा अब आप देखें इसकी दो कंडीशंस होती हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, सही है। सबसे पहले हम किसको कंसिडर करेंगे, प्लेन मिरर को कंसिडर कर लिया हमने, यहाँ पे अगेन उसी टाइप की फिगर बनी हुई है, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम सेम प्लेन, सही है। अब ये जो इंसिडेंट रे है आप देखें, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, सही, ये एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, सही है, ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको नजर आ रहा है ये तीनों जो है एक प्लेन पे
लाई कर रही है। और सेकंड हमारे पास क्या है, जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो हमारे पास कौन से दो एंगल आ गए थे, एक आ गया था हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक हमारे पास क्या आ गया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल था जो इंसिडेंट रे से बन रहा था, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा एंगल था जो रिफ्लेक्टेड रे से बन रहा था। सही, तो ये जो दो हमारे पास क्या कहला रहे थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस अकर होगा तो ये बात लाजिम होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है। एक और हमारे पास कंडीशन होती है रिफ्लेक्शन के लिए, वो ये होती है कि जब भी कोई रे रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंस बैक करेगी, तो क्या होगा, वो अपने ही मीडियम में वापस आ जाएगी, फर्स्ट मीडियम। अब आप देखें, ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम था। सही है, ये फर्स्ट मीडियम था हमारे पास जहां से इंसिडेंट रे या बीम ऑफ लाइट प्रोपोगेट की। सही है, सेकेंड मीडियम पे उसने हिट किया विच इज मिरर, और क्या हुआ, बाउंस बैक करके वो दोबारा हमारे फर्स्ट मीडियम में चली गई थी। सही है, तो जब भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा तो मीडियम हमारा सेम रहेगा। सही, यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई बात नहीं समझ में आई तो जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। सही है, अब हम इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। सही, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, बट ये हम कल करेंगे। मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल का टेस्ट आपका कंडक्ट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले अब आप देखें, जैसे आपको देख के भी आइडिया हो रहा होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है एक हमारे पास और एक हमारे पास क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। सही, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। जब भी लाइट रेज जो होती हैं, जो बीम ऑफ लाइट होती है, वो किसको हिट करती है, एक बहुत ही स्मूथ सरफेस को हिट करती है, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होती है वो बहुत रेगुलर होती है। सही, और बेसिकली क्या होता है कि जब कोई सरफेस स्मूथ नहीं होती, अब ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी प्लेन्स हैं वो सब स्मूथ होते हैं। सही है, सनलाइट तो है वो जो है सिर्फ पानी पे नहीं गिरती, किसी मेटल पे या सिर्फ मिरर पे नहीं फॉल करती, वो तो मतलब आप देखिए वो माउंटेन्स पे भी फॉल कर रही है, हर जगह फॉल कर रही है। सही है, तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस तो वहां भी हो रहा है, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शंस हो रही होती हैं वो कहलाती हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शंस। सही, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी इसको कहते हैं। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन रेफर्स टू अ क्लियर एंड शार्प रिफ्लेक्शन। ये कैसे रिफ्लेक्शन होती है, बहुत ही क्लियर होती है, बहुत स्मूथ होती है, बहुत शार्प होती है। सही है, बहुत क्लियर हमें पता चल रहा होता है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस, इसके अंदर जो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो बहुत ज्यादा डेफिनेट होती हैं, शार्प होती हैं। लाइक द वंस यू गेट इन अ मिरर, जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा पॉलिश सरफेस है, जैसे कि मिरर है, सही है, जो बहुत ही स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जब उसके ऊपर लाइट रेज पड़ती है तो क्या जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर होती है। सही है, अ मिरर इज मेड ऑफ ग्लास विच इज कोटेड विद अ यूनिफॉर्म लेयर ऑफ हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल सच एज पाउडर। द रिफ्लेक्टिव सरफेस रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट यूनिफॉर्मली, देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस बिटवीन वेरियस पॉइंट्स। अब ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, मिरर को क्या होता है, हम बेसिकली किससे बनाया जाता है, मिरर एक ग्लास से बनाया जाता है, और उस ग्लास के एक साइड पे क्या करते हैं कि हम बहुत अच्छी सी कोटिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। जैसे ही मिरर के ऊपर लाइट रेस हिट करती हैं उसको, तो क्या होता है कि ऑलमोस्ट जितनी रेज उसको हिट करती हैं उतनी ही रेज बाउंस बैक कर देती हैं, और बहुत क्या करती हैं, यूनिफॉर्मली करती हैं। सही है, और इसके अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट तमाम रेज के इक्वल होते हैं, उनमें ज्यादा हमारे हमें वेरिएशंस नहीं मिलती। जैसे कि आपको ये फिगर में नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये ग्रीन से जो हमें शो किया है इन्होंने, ये यहाँ पे क्या शो किया है, ये इंसिडेंट रेज हैं सारी। अब आप देखें, जितनी रेज एक रेगुलर सरफेस पे हिट किया उतने ही रेज ने क्या किया, बाउंस बैक किया, और किस तरह बाउंस बैक किया, बहुत ज्यादा
क्लियर थी, ये शार्प थी, और इनके में देखें जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन सब पे किया, जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अब इन सब पर हम अलग अलग, अलग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये देखें, सपोज ये अभी इस वक्त मैं यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूँ, सही है, ये एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर दिया, सही है, इसी तरह एक नॉर्मल इसके लिए हमने ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल इसके लिए ड्रॉ कर दिया, एक इसके लिए ड्रॉ कर दिया, सही है, और एक इसके लिए ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ी सी जो स्ट्रेट नहीं बनी है बिल्कुल, ये हमने सारे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, और ये परपेंडिकुलर्स क्या कहलाते हैं, नॉर्मल। जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किए तो हमारे पास दो एंगल्स आ गए, एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब हम उनको मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट तमाम रेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड टाइप कौन सी आई है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की आई है, सही, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिव सरफेसेस अदर देन मिरर्स इन जनरल हैज अ वेरी रफ फिनिश, सही है। नॉर्मल हमारे पास जो सरफेसेस होती हैं, अब आपने देखा ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, हर चीज मिरर की नहीं बनी होती कि जहाँ हर जगह रेगुलर रिफ्लेक्शन होंगी, सही है। हमारे पास ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा रफ फिनिशिंग्स होती हैं कुछ सरफेस की, और स्मूथ नहीं होती, सही। दिस मे बी ड्यू टू वेयर एंड टेयर सच एज स्क्रैचेस एंड डेंट्स और डर्ट ऑन द सरफेस, सही है। अच्छा, अब ये सिर्फ स्मूथनेस जो होती है ना, ये डस्ट जो होती है, ये पोल्यूशन होती है, इससे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है, सही है। या फिर कोई स्क्रैच पड़ गए या डेंट्स हो गए, कुछ भी हो गया, वो हमारी क्या कहते हैं, एक स्मूथनेस को क्या करती है, लो करती जाती है। समटाइम्स इवन द मटेरियल ऑफ विच द सरफेस इज मेड ऑफ मैटर्स, ऑल दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बोथ द ब्राइटनेस एंड द क्वालिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब ये जो सारी चीजें होती हैं, इससे क्या हमें फर्क पड़ रहा होता है, इससे हमें फर्क ये पड़ रहा होता है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है वो इतना शार्प और क्लियर नहीं हो रहा होता, सही है। उसकी ब्राइटनेस और क्वालिटी, क्वालिटी से मेरा इनकी यही है कि उसकी शार्पनेस पे फर्क पड़ता है, सही, यानी वो रेगुलर जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। इन दिस केस ऑफ सच रफ सर्फेसिस एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन कंपेयर्ड बिटवीन पॉइंट इज कम्प्लीटली हैपहैजर्ड। फॉर रफ सर्फेसिस द रेज इंसिडेंट एट स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्फेस इज रिफ्लेक्टेड इन कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन, सही है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इज वॉट इनेबल्स अस टू सी नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट, सही। इसकी वजह से क्या किस क्या हम देख पाते हैं, नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आप ये देखें फिगर में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा, ये जितनी भी ग्रीन लाइट्स हैं, ग्रीन लाइन्स हैं, ये इंसिडेंट रेस को शो कर रही है कि जैसे ही इंसिडेंट रे ने बेसिकली क्या किया, इंसिडेंट रेज ने फॉल किया एक इरेगुलर सरफेस पे, तो क्या हुआ कि जो जितनी भी रेज थी कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर गई, और हमारे पास एक इरेगुलर पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जनरेट हो गया। तो ऐसी रिफ्लेक्शन हमारे पास कहलाती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, सही है। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई तो आप मुझे बताएं। अच्छा जी, ये स्फेरिकल मिरर का टॉपिक जो है ये मैं आपको कल स्टार्ट करवाऊंगी, अभी मैं एक छोटा सा आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगी यहाँ पर, सही है, वाइट बोर्ड के ऊपर। न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने अटेम्प्ट किए थे या नहीं अटेम्प्ट किए थे, मुझे ये बताएं जरा पहले तो। हाँ जी, न्यूमेरिकल्स किसने अटेम्प्ट किए थे या नहीं अटेम्प्ट किए थे। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे एक टेस्ट, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ये जो स्फेरिकल मिरर का टॉपिक है ये मैं कल डिस्कस करूंगी, सही है, क्योंकि पूरी क्लास में हमारा ये टॉपिक डिस्कस होगा, और ये टॉपिक साथ साथ ही हम किसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और उनकी करेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये सब मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, लेकिन बैठिए मैं आज आपको स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ, इस वजह से कि ये हम एक फ्लो में पढ़ेंगे तो हमें ये पढ़ने में मज़ा भी आएगा और ये अच्छा रहेगा हमारे साथ एक साथ पढ़ना। अच्छा जी, अब तफसीर को इस वक्त मेरी आवाज़ नहीं जा रही, तो मैं तफसीर से ज़रा टाइप करके पूछूँ और हम अपना टेस्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, सही। ये इंशाल्लाह हमारा
ओके सही. तो क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यू है, तफसीर को मेरी आवाज़ नहीं जाती, इस वजह से आई एम टाइपिंग, ताकि वो जल्दी से मुझे रिप्लाई बैक करें और हम जो है अपना बेसिकली क्या करें, टेस्ट स्टार्ट करें. सही. आपने देखे वाटर भी बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है. जैसे मैं वेट कर रही हूँ बेसिकली तस्वीर के, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ इश्यूज एंड टेक्निकल जिनकी वजह से उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है कि उनको हमारे कुछ वॉइस नहीं जाती. रेगुलर स्टूडेंट है तफसीर, तो मैं इसलिए उनसे चाह रही थी कि मैं आज वाइट बोर्ड पे एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल का टेस्ट कंडक्ट करवा लूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 15 मिनट्स रिमेनिंग है, तो इसमें ये स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रही, ये सब एक फ्लो में पढ़ने वाला टॉपिक है, तो हम एक साथ इसको कल पढ़ेंगे. अच्छा हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक पढ़ेंगे, आपने देखा होगा ना मिरर कितनी कॉमन चीज़ है, अब हम लोग देख रहे होते हैं. अच्छा जी मिरर है, हम उसके अंदर अपनी शक्ल देखी, बाल बनाए, जो भी करने किया सही, लेकिन क्या ये बेसिकली कहाँ कैसे इसे बनाए गए, हम ये प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह ग्लास का पीस लेके उसको क्या किया जाता है, एक साइड से पॉलिश किया जाता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक सिल्वर की कोटिंग होती है और उसके ऊपर मजीद एक हमारे पास क्या है, मेटल है, रेड लेड ऑक्साइड, वो पेंट किया जाता है. आपने देखा होगा ना कभी ड्रेसिंग्स वगैरह से शीशे वगैरह आपके अगर मिरर जो है वो निकले, तो आप देखें उसके पीछे एक पेंट एक कोटिंग हुई भी होती है सही है, और दूसरी साइड की होती है उसके वो पैक की होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है हमें नजर आता है. अच्छा अब हम देखें, अगर हम ये कहें ना कि वाटर में बेसिकली रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, तो वो कैसे होता है, अगर आप वाटर के अंदर देखें अपना, तो आपको अपनी शक्ल भी नजर उसके अंदर आती है सही है, या बहुत सारी मेटल जो पॉलिश सरफेसेस होती हैं उसके ऊपर भी नजर आती है, तो ये जो सारी चीजें हो रही होती हैं ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही होती है. मैंने इतना ज्यादा टाइम इस रिफ्लेक्शन के टॉपिक को इसीलिए दिया और बार बार एक बात को रिपीट किया ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आगे सारी चीजें हमारी जो है वो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी सही. तस्वीर आप कहाँ गायब हैं लॉग इन करके, अगर आप आए तो आप जल्दी से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें, मैं एक पोल भी जनरेट करवाना चाह रही हूँ सही, ताकि आप लोग उसको अटेम्प्ट करें. मैं अभी के टॉपिक जो मैंने रिफ्लेक्शन का पढ़ाया है मैं उसके
जल्दी से पोल को अटेम्प्ट करें। ये मैंने पोल जनरेट किया है जल्दी से अभी के टॉपिक के हिसाब से। तफसीर मैंने आपका टेस्ट दोबारा अपलोड कर दिया था, सही है, चेक करके तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये जो हमें आंसर दिया गया है ना, ऐसा कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, सही, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, सही। एंड दिस इज वेरी बैड कि आप जो हैं वो लॉग इन करके बिल्कुल भी, अब आप लॉग आउट कर गए हैं, चलें कोई बात नहीं, इसको वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ, सही है। इसके अंदर ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, सही है, इसका मैं कल आपसे आंसर पूछूंगी, बल्कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, ये बहुत इजी एक न्यूमेरिकल है और ये वाइट बॉल कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं हल में तफसीर के पास वो ऑनलाइन नहीं है, तो ये कल इंशाल्लाह आप लोगों ने ये सॉल्व करके मुझे दिखाना है, सही। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, ये बेसिकली पता है क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, बेसिकली एक हॉलो जो है, एक क्या कहेंगे, एक स्फेयर होता है बेसिकली, सही है, किस तरह का स्फेयर होता है जिसमें से हम एक पीस को कट करके निकाल लेते हैं, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर ये ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बेसिकली क्या होता है, ये एक हमारे पास स्फेयर बना, सही है, ये अंदर से हॉलो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है जिस तरह ग्लास का, सही है, ये ग्लास का है, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, सही है, लेकिन नॉर्मली मिरर्स कितने होते हैं, ग्लास के, आपने देखा होगा ना बच्चों के कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं, तो वो किस तरह होते हैं, तो ये बेसिकली एक स्फेयर होता है, अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है, जिस तरह फुटबॉल हमारे पास अंदर से हॉलो होती है ना, ये एक कम्प्लीट स्फेयर होता है। और बेसिकली क्या किया हमने, इसका कोई भी, सपोज हमने इसका ये एक पार्ट जो है ना उसको हम इसमें से कट आउट कर लेते हैं, सही, और जब हम इसको, सपोज हमने इतना एक पार्ट लिया, ये हमने इसका एक पार्ट लिया इतना, सही है, और हमने उसको कट आउट कर लिया, तो हमारे पास क्या हुआ, एक इस शेप का क्या होगा, एक स्फीयर का हमें इतना पीस मिल गया ग्लास का, सही है, और हम क्या करते हैं फिर इसकी एक साइड को क्या करते हैं, कोट करते हैं, और क्या कहेंगे हम उसको, पॉलिश करते हैं, सही है, बहुत थिन लेयर हम उसकी क्या लगाते हैं, उस पर सिल्वर की लगाते हैं, और उसके ऊपर फिर फर्दर किसकी कोटिंग की जाती है, रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, सही है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास हम एबल हो जाते हैं किसके, मिरर को यूज करने के लिए, उस ग्लास पीस को बेसिकली हम क्या कर देते हैं, स्फेरिकल एक मिरर में चेंज कर देते हैं। दो तरह के हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव होते हैं और एक कॉन्वेक्स होते हैं, सही है।
अब इसके अंदर जो फिनोमेना हो रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं जिससे हमें जो होते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा आप आजकल प्ले एरियाज के अंदर, या आप लोग ऐसे कभी कोई गेम वीडियोस देखी हो या कार्टून्स देखे हो, उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के मिरर्स होते हैं जिसमें क्या होता है शक्लें आपकी, कोई कभी बहुत ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, कोई बहुत ज्यादा छोटी नजर आ रही है, तो ये सब कैसे हो रहा होता है बेसिकली, ये सब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की मदद से हो रहा होता है। सही है, एक मिरर हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है और एक हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है। सही है, इससे जो इमेजेस फॉर्म हो रही होती हैं। अच्छा, ये जो जिस तरह जो हम ग्लासेस यूज करते हैं ना, देखें किसी की दूर की नज़र खराब है या करीब की नज़र खराब है, तो क्या होता है उनको बेसिकली ये ग्लासेस यूज करने होते हैं, तो वो जो यूज हो रहे होते हैं वो भी बेसिकली क्या हो रहे होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर्स यूज हो रहे होते हैं। और ये हमारे लिए बहुत सारी जगहों पर यूज हो रहे होते हैं, जिस तरह की हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स में यूज हो रहे होते हैं। सही है, या ये हमारे पास क्या होते हैं जो साइड मिरर्स होते हैं हमारे पास कार के, उसमें यूज हो रहे होते हैं। सही है, तो ये बहुत सारी जगहों पर इनका यूजेज होता है, और इसी वजह से मैंने ये टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया था, थोड़ा सा बस ऐसे ही आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि कल हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कंप्लीट, क्योंकि ये भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। सही है, हिस्ट्री भी हम इसकी पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स भी पढ़ेंगे, और ये जो क्लास में आकर जो है तफसीर आप चले गए हैं, तो चलें अब ये मैंने आपको न्यूमेरिकल दे दिया है, ये कल आपने सॉल्व करके लाना है। सही, सही, और दूसरी बात ये कि अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद विविड स्मार्ट लर्निंग। सही है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है विविड स्मार्ट लर्निंग के साथ पढ़ने का, ताकि अगर जो आपका फीडबैक है वो हमें हेल्प आउट करेगा किस लिए, अब हमारी बेटरमेंट के लिए। पेपर्स आपके अब नज़दीक हैं थोड़े थोड़े, तो ये टाइम है फुल सीरियस होके पढ़ने का। स्टूडेंट वो होता है या कोई भी ह्यूमन बीइंग, मतलब वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे, या स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, हर चीज़ में, घर में कोई फंक्शन है हर चीज़ अटेंड करें, दोस्तों के साथ भी टाइम दें, लेकिन एक उसूल ज़िंदगी में बना लें कि जिस टाइम पे आपने पढ़ना है ना उस टाइम पे सिर्फ पढ़ना है, चाहे वो आपने 24 में से 2 घंटे पढ़ना है या 1 घंटा पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो आपने उस वक्त फोकस करना है उसके ऊपर, जिस तरह जो काम आप कर रहे होते हैं ना उस पर फोकस होता है, फिर पढ़ाई के वक्त बहाने नखरे नहीं करना, और सिर्फ ये सोचना है कि अपने लिए पढ़ना है। ठीक है, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना, ग्रेड्स के पीछे नहीं भागना। ठीक है, कुछ सीखने के लिए पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई के बगैर गुजारा नहीं है, पढ़ाई है तो हम हैं। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है हर हर चीज़ में ज़िंदगी के लिए, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप ये सोचें कि अच्छा जी लड़के ही पढ़ें जी पैसा कमाना है, पैसा कमाना इज़ नॉट द थिंग। सही है, पैसे तो आप देखें एक अनपढ़ जाहिल भी कमा ही रहे हैं ना, पेट तो भर रहे, रिस्क तो अल्लाह ने देना है, वो तो दे देगा, वो किसी भी वसीले से देगा, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। तो जिस वक्त भी पढ़े ना फिर फोकस करके पढ़े कि अच्छा यार अब इस टाइम पे अगर पढ़ने का टाइम है तो हमें पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है, और अपने लिए पढ़े, ये ना सोचें कि अच्छा यार अगर मेरा कोई दोस्त नहीं पढ़ता तो मैंने नहीं पढ़ना, तो ये अगर वो ये करता तो मैंने करना है, नहीं, अपने कुछ ज़िंदगी में गोल सेट कर लें और उनको फॉलो करें, उनसे पीछे ना हटें किसी भी सूरत। सही, तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हमने आज ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रिफ्लेक्शन का, तो जिनसे भी मिस हुआ है इस लेक्चर को सुनेंगे, अपलोड हो जाएगा। सही, स्लाइड्स जो हैं वो मैं चलें अपलोड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्फेरिकल मिरर में कल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसकी टाइप्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। सही है, तो कल तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना फीडबैक जरूर दें कि हाउज योर एक्सपीरियंस विद स्मार्ट लर्निंग, जिन्होंने टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया मैं अभी भी कह रही हूँ अटेम्प्ट कर लें, तफसीर इज़ अ वेरी गुड बच्चा, उन्होंने जो है टेस्ट सबसे पहले मुझे सबमिट करवाया है, और माशाल्लाह उन्होंने अटेंड भी बहुत अच्छा किया था, अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया था उसको। सही है, तो तफसीर मैंने आपका टेस्ट जो है वो चेक करके अपलोड कर दिया है। सही है, तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, और मैं फिर आपको कहूँगी कि उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ये थी कि आपने ना उसके अंदर क्वेश्चंस को दोबारा नहीं लिखना,
जब आप अपना बोर्ड का पेपर भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट लिखना है, पूरे पूरे क्वेश्चंस कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिस तरह आपने हेडिंग्स डाल के काम किया था बिल्कुल इस तरह प्रॉपर वे में काम करें, और पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करें, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है। सही है, अभी तो आगे और बहुत बहुत कुछ, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो अभी थोड़ी सी मेहनत कर लें ताकि आगे के लिए आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। सही है, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, कल की क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है, मिस नहीं कीजिएगा क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।